रैली अभी खत्म किए हैं। हमारा मेन मोटिव सत्यकल में अमित, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही ब्लॉग नियो यात्रा में। तो आज हूँ मैं अपने घर के चंदौली पे ही, और यहाँ चंदौली मुगलसराय से एक भव्य यात्रा निकलने वाली है। तो यात्रा के बारे में आपको शॉर्ट मैं जानकारी दे दूँ कि आज है पर्यावरण दिवस। इस पर्यावरण दिवस पे एक हमारे ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट है, यहाँ से निकलने वाली एक यात्रा जो अभी कुछ दूर जाएगी और पर्यावरण के प्रति जो भी संदेश है आप सभी लोग तक पहुंचाएगी। तो इस वीडियो का टारगेट है 10 लाख लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि हमारा और इस संस्था का मानना है कि अगर एक व्यक्ति अगर 5 लोगों को शेयर करता है इस वीडियो को, तो भारत में हर एक कोने, हर एक यंग जनरेशन के पास ये संक्षिप्त विवरण पहुंचेगा कि आने वाले जो पीढ़ियाँ हमारी हरित क्रांति की तरफ अग्रसर हो रही है, भारत के सारी जितने भी संस्थाएं हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और पर्यावरण कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित हो रहा है। तो इस यात्रा स्टार्ट करते हैं अभी, और अभी सारा विवरण दिखाएंगे और यहाँ के को फाउंडेशन से भी बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको सारा वो पर्यावरण को बचाने के लिए ये यात्रा निकल रही है, और पर्यावरण की चलने निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले को फाउंडर हैं। को फाउंडर क्या नाम है सर आपका? महताब आलम। महताब आलम जी, बताइए इस बारे में कि आप आज ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण आप बताइए, दृष्टि बताइए यहाँ पे। सर हम लोग हर काम करते हैं बट हम लोग प्रकृति को छोड़ देते हैं। प्रकृति जैसी है जिस हाल में हम उस हाल में उसको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रकृति का ध्यान कौन देगा। ये सारी चीज़ें सोचकर, ये सारी चीज़ें समझकर हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशियल स्टार्ट किया है कि अगर हर आदमी कम से कम एक पौधा लगाए तो हमारी प्रकृति आज नहीं लेकिन 2-3 साल में ये हो जाएगा, सांस लेने लायक हो जाएगी। और हमने सांस की कीमत कोरोना में समझ लिया है, एक सांस के लिए हमने के क्या क्या नहीं किया। लोग यहाँ से लेकर बनारस तक, दिल्ली तक, हर जगह दौड़ रहे थे सिर्फ एक ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन फ्री में है तो हम उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो है कि हमारा जो ये समाज है, जो हमारा प्रकृति है, इसको रहने लायक बनाया जाए। हमें नेचर ने दिया है रहने के लिए इसको, हम चाहते हैं कि हम इसमें रहें, अच्छे से रहें। हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को इस हिसाब से बना लें कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़े ही ना। और ये सिर्फ तब हो सकता है कि पौधा हमारा, हर चीज़, हर पर्यावरण हमारा सुरक्षित हो और शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती रहे। और इसके लिए हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं और ये जो लोग हैं यंग जनरेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो गाइस बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोला, और ये ग्रीन फाउंडेशन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है। तो टारगेट है इस वीडियो का 10 लाख लोगों तक पहुंचाने का। तो आप सभी लोगों को जिम्मेदारी पड़ती है भारतीय होने का, आप सभी लोगों को कर्तव्य निभाना है कि हर एक कोने में पहुंचाना है। अगर मैं मानता हूं और सारे लोग मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति 5 लोगों के बाद वीडियो शेयर करता है तो कहीं ना कहीं आने वाली एक जो हमारी है अमित जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि हम इस सभी लोगों को, अगर हमारे पास जितने भी बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो 2 पेड़ लगाएं, 4 बच्चे हैं तो 4 पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा कि पर्यावरण हमेशा बना रहेगा। अगर जैसे हम लोग आगे पीढ़ियाँ जो होती हैं हमेशा ऑक्सीजन के लिए, उन लोगों को प्रॉब्लम ना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो भारत है वो बिल्कुल ग्रीन हो जाए और पेड़ पौधे से बिल्कुल ही हरा भरा हो जाए। ओके, थैंक यू। सीधा सीधा आंसर है कि आप सभी लोगों को एक पौधा लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यात्रा, और यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी सारी मिलकर। भारत माता की जय। तो गाइस यात्रा निकल चुकी है, फिलहाल अभी देख सकते हो पीछे पूरी की पूरी जितने भी यंग जनरेशन है सारे लोग आ रहे हैं, और आगे जाके एक तालाब है वहाँ पे वृक्षारोपण करने का प्रोग्राम बना हुआ है। तो गाइस इस वीडियो का टारगेट है 10 लाख लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि अगर हम मानते हैं और ये सारे लोग मानते हैं कि अगर सारे लोग मिलके अगर इस वीडियो को शेयर करें, पर्यावरण के प्रति अगर हम एक समर्पण भावना रखते हैं तो एक हरित क्रांति भारत में आ सकती है। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दबा के शेयर करें और पौधारोपण का आनंद लें, क्योंकि ये सारे यंग जनरेशन जितने भी लड़के हैं सारी यात्राओं के साथ जाके।
की जय जयकार। चलिए आ जाइए अमित सर। एक दो तीन चार गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ डॉक्टर चंदन, आई हैव डन द बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड डूइंग प्रैक्टिस एट माई हॉस्पिटल, इवन रनिंग माई होल हॉस्पिटल विथ माई फादर। सो मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी अपने जीवन में एक एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि हमारे देश आगे बढ़े और सबके साथ हो रहा है। फिलहाल सर है और यहाँ पे आज ही ग्रीन फाउंडेशन इंडिया के हॉस्पिटल पे लोग बच्चे जो आए हैं यहाँ पे, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना हमारे पॉल्यूशन इतना तेज़ी से इस देश में पॉल्यूशन फैल रहा है, अगर कोशिश किया जाए कि ग्रीन इंडिया बनाया जाए ताकि हमारे जो पॉल्यूशन लेवल है उसको डिक्रीज़ किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दिल्ली और लखनऊ और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ का क्या हाल है। तो अगर हम अपने हर सिटीज़ में हर विलेज में अगर हम एक एक ट्री प्लांट करते जाए पर डे, मतलब साल में 365 या अगर साल में एक भी लगाए एक व्यक्ति, तो अगर एक अरब है तो एक अरब एक साल में ट्री प्लांट होगा। इससे सारा हमारा जोन है जो वो काफ़ी ओजोन लेयर हमारा थिकनेस इंक्रीज़ होता जाएगा और पॉल्यूशन डिक्रीज़ होता जाएगा, जितने भी हमारे रिस्पायरेटरी डिजीज़ है वो काफ़ी जल्दी जल्दी क्लियर भी होते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इसी तरह हेल्प करते रहे पूरे देश का और मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह। थैंक यू सो मच चंदन जी। तो गाइज अभी यात्रा पहुंची हुई है यहाँ पे ग्रीन इंडिया फाउंडेशन की, जो यात्रा है फिलहाल अभी पहुंची है राम जानकी तालाब पे, यहाँ पे शिव मंदिर भी है पीछे आप देख सकते हो, और इस साइड में बिल्कुल एक तालाब बना हुआ है, इसके आसपास कुछ पौधे का रोपण किया जाएगा फिलहाल अभी। और अभी आपसे आपने रूबरू हुआ डॉक्टर चंदन जायसवाल जी से, जो मुगलसराय हॉस्पिटल के डॉक्टर वहीं हैं वहाँ पे, और पूरी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड दिया। अभी आप सभी लोग देख सकते हो, सुना आपने किस प्रकार से उन्होंने एटमॉस्फेयर जो हमारा पर्यावरण जो बदल रहा है उसके प्रति उन्होंने जागरूकता दिखाई। तो कृपा करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कम से कम 1,000,000 लोगों तक पहुँचाने का टारगेट इस वीडियो को, जिससे कि आने वाली सारी पीढ़ियाँ जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जागृत हो। कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पौधारोपण स्टार्ट हो रहा है। लाल आप देख सकते हो पीछे अभी प्लांटेशन हो रहा है, छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा और कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ पौधारोपण किया जाता है। इस तालाब के उस साइड भी जाएंगे, अभी उस साइड में कुछ जगह खाली है वहाँ पे जाके भी पौधारोपण किया जाएगा। फिलहाल अभी यंग जनरेशन जितने भी है बहुत जोश में है, और क्या क्या ही कहूँ बस कि आप पर्यावरण के प्रति आप एक संदेश बिल्कुल आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। संदेश फैलाना है, सबको पेड़ लगाना है, घर घर संदेश फैलाना है, सबको पेड़ लगाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
गाइस अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो मानस ये तालाब था, फिलहाल जो पोखरा था, यहाँ पे वृक्षारोपण हो गया। मंदिर के पुजारी जी को भी यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने पौधा दे दिया है, बच्चों द्वारा पौधा दे दिया गया, ग्रीन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से पौधा दे दिया गया। और बच्चों कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कदम से कदम मिला के मजा नहीं आ रहा है। भारत माता की जय। आओ आगे और पानी चटाइए। बहुत अच्छा लगा हमको, ये होना चाहिए हर लोगों को जो कि ये काम करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है, अच्छी बात है। आप लोगों की पहल के लिए हम सलाम करते हैं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हवा दे ना, तुलसी है। क्लासेस चल रही है इंग्लिश कंप्यूटर तैयारी की, ठीक है, ट्यूशन तक की फ्री क्लासेस चल रही हैं, सिलाई तक भी चल रही है। यानी कि दो दिन बाद में कहूँगा कि मुझे पैसा दीजिए, ये नहीं है बस, लेकिन आके अच्छे से डिटेल दीजिए। नहीं 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 यहीं पर सर। साइज करिए ना। सर हमारे साथ आज पौधारोपण हो रहा था और बहुत अच्छा लगा, कैसा लग रहा है आपको? मेहनत कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे अगर जागरूक रहेंगे तो सब जागरूक रहेंगे, भविष्य है, भविष्य की
और एक हमारा पहल है। कोशिश अच्छी चल रही है अभी तक, आगे भी हम लोग कोशिश करते हैं, अच्छे रहेंगे। सारे बच्चे हमारे साथ इतना मेहनत कर रहे हैं, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस जागरूकता अभियान को आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ इतने देर से मेहनत कर रहे हैं, इनकी इस सिर्फ एक जागरूकता के लिए इनको शेयर करिए, इनको लाइक करिए, ताकि ये इनका भी हौसला बढ़े, भारत के हर एक कोने पे इस वीडियो को पहुंचाया जाए। आप सभी लोग भारतीय होने का कर्तव्य आप जरूर जरूर निभाएं, क्योंकि ये यंग जनरेशन, क्योंकि आज के यात्रा आज पर्यावरण यात्रा है। का जी प्रचार होता है रैली अभी ख़त्म किए हैं। हमारा मेन मोटिव हम पूरे वीडियो में यही समझाते रहे कि देखिए पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो फिर ये 45, 46, 50 फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो पेड़ लगाना मस्ट है, हमें लगाना है, संरक्षण करना है। साथ दीजिए आप हमारा, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके, और पेड़ लगाने के साथ साथ हम युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्री शिक्षा हर क्षेत्र में ये कर रहे हैं, तो ये सब हमारी भारत माता के लिए। एक बार भारत माता के लिए हम नारा लगा देते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हम क्या दादा, हम रूप में श्री अमित कुमार पासवान जी ने बहुत ही योगदान दिया अपना, इसको योगदान देने का मुख्य लक्ष्य ये था कि शिक्षा को भी हमें आगे बढ़ाना है, चाहे वो कौशल में हो चाहे वो विकास में हो। अगर हमारे पास कौशल सही रहेगा तो विकास अपने आप आगे बढ़ेगा, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम अमित कुमार पासवान जी ने ये तकनीक को अपनाया है, जिस माध्यम से अमित कुमार पासवान जी को हम सामने करना चाहेंगे। और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र में, और हम आशा करते हैं कि वार्ड नंबर 16 की जितने भी सभा, जितने भी प्रत्याशी देखते हो, जितने भी इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अमित भैया, हाँ आप बताएं कुछ। हम चाहते हैं कि सभी लोग पौधे लगाएं, एक पौधा सब लोग लगाएं, और ये मैं प्रोग्राम शुरू किया हूँ निःशुल्क, जो 6 से लेकर 10 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और लड़कियों के लिए मेहंदी सिलाई और ब्यूटिशियन का भी निःशुल्क किया जा रहा है, और ये 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहेगा। और आप लोग, मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 16 और भी जो भी है, जो अगर देख रहे वीडियो, इस वीडियो को आकर और इस शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा का फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय हिंद सर।